2025 में वर्ल्ड वार। अरे यार 2025 में मतलब शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत कहाँ से होगी वर्ल्ड वार की? मतलब कहाँ से अभी? और तू मतलब तेरी भविष्यवाणी कहाँ क्या है? मतलब कहाँ से शुरुआत हो सकती है अभी फिलहाल? इजराइल हमास का चल रहा है। अच्छा सर, मोटिवेट करते हैं सर। कितने मोटिवेट करते हैं? बहुत मोटिवेट करते हैं सर। मजा आता देखने में? बहुत मजा आता। बिल्कुल पक्का। इनको सब्सक्राइब करो, इनको लाइक करो, सब कुछ करो। इनको अटक क्यों रहा है इतने? देखो नर्वस हो रहा है, इसीलिए बोलता हूँ मैं। देखो कैमरा फेस करना बहुत मुश्किल होता है, कैमरा फेस करना मतलब बहुत ही हार्ड काम होता है हर किसी बंदे के लिए। अभी देखो ये आ रहे कैमरा पे ऐसे क्या बोलते हैं फेस नहीं कर पा रहा है, मतलब कैमरा पे देख नहीं पा रहा है। तो आप देखो कितना हार्ड होता है कैमरा फेस करना और ये सब चीजें करना। क्या सही बोला नहीं बोल रहा? बिल्कुल सही सर। है कि नहीं सर? आपकी डाइट देख के हम अपने आप को करते हैं कि थोड़ा अपने आप को करते हैं पुश करते हैं पुश करते हैं। देखो ये मेरी डाइट आप बताते हो, अपने वर्कआउट एक्सरसाइज देखते हैं उसको करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। बहुत हेल्प मिल रही है, इनको फॉलो करो। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी लोग? होप सब बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे से होंगे। तो दोस्तों अभी हम आ गए ग्राउंड, सुबह समय आज पहली बार अपने ग्राउंड से स्टार्ट करा अपना व्लॉग। तो दोस्तों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने ही क्या बोलते हैं ग्राउंड से, क्योंकि मूड नहीं था। आप सभी को पता होगा क्यों नहीं मूड था मेरा व्लॉग बनाने का। तो दोस्तों अभी हम करेंगे अपना फिटनेस स्टार्ट, उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और पेज पर देख रहे हो और पेज को कर लेना फॉलो। बाकी दोस्तों अभी आज हम करेंगे अपना फिटनेस स्टार्ट, देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आगे अपनी फिटनेस करेंगे। बाकी वीडियो में बने रहना, बाकी देखते हैं आगे क्या करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला आज की वीडियो में, ज़्यादा मूड तो है नहीं लेकिन मूड बनाना पड़ेगा अपनी फिटनेस के लिए। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। तो दोस्तों अभी कर रहा हूँ मैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट, देखना आपकी क्या करूँगा आज मैं एक्सरसाइज। बाकी वीडियो में देख लेना, मज़े लेना, और आप भी इसको कॉपी कर लेना अगर करना होगा तो अच्छी एक्सरसाइज है। बाकी देख लेना, मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी एक्सरसाइज। Everybody in the world blind. Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yeah, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.
That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. मैंने व्लॉग टेक ओवर किया बादशाह भाई से। यार काफ़ी अच्छा लगता है जब बादशाह भाई ग्राउंड में आते हैं। मैंने बादशाह भाई से पूछा कि यार आप जो ये ग्राउंड आते हो लाइक रेसलिंग, आप तो जिम वगैरह रिंग होती है आपकी, तो बादशाह भाई का एक अलग ही मोटिव है कि आज के जो रेसलर्स होते हैं वो काफ़ी फिट होते हैं, लीन होते हैं। तो बादशाह भाई काफ़ी बल्की था पहले, अब आते अपना कार्डियो करते हैं, बाकी जो भी एक्सरसाइज एथलेटिक एक्सरसाइजेस भी इन्होंने ऐड की है वो भी करते हैं। देखो बादशाह भाई क्या कर रहे हैं। बादशाह भाई इस एक्सरसाइज का नाम पता है क्या क्या है इसका? इसको बोलते हैं ग्लूट ब्रिज, थ्रस्ट ऑफ ग्लूट ब्रिज, ग्लूट ब्रिज। हाँ ये रोकना पड़ता है, हाँ होल्ड करना पड़ता है। बढ़िया है, अभी फेलियर है ना। ये थोड़ी सी अजीब लग रही होगी एक्सरसाइज, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। कीगल में आती है ये, और ये इसके काफ़ी सारे फायदे हैं। फायदे बस बता देना। तो देखो बादशाह, अब बादशाह का ना फिट हो रहा है, एथलेटिक बॉडी आ रही है। जरा बाइसेप चेक कराओ। हाँ मतलब एथलेटिक बॉडी आ रही है, थोड़ा टाइम लगता है। वो जो जिम में बॉडी बनती है और ग्राउंड में बॉडी जो बनती है उसमें काफ़ी फर्क होता है। और ये जो ग्राउंड वाली बॉडी होती है ये थोड़ी ज़्यादा, यू नो आज इसकी ज़्यादा यू नो मांग है, क्योंकि ये एथलेटिक्स इंसान फुर्तीला होता है। तो वही है मोटिव बादशाह भाई का। तो बादशाह खान काफ़ी सोच में, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। इंडिया हार गए इसीलिए सोच में। कल दुख हुआ था? नहीं। अरे यार दुख तो बहुत हुआ यार, दुख बहुत हुआ। चलो अभी लास्ट सेकंड है। विशिंग ऑल द बेस्ट टू बादशाह खान व्लॉग्स एंड टीम, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वर्ल्ड कप। दैट्स इट। एक सेक्शन हो गया, आपने देखा ही होगा एक्सरसाइज, इसको बोलते हैं हम कीगल्स एक्सरसाइज, जो जो कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज कीगल एक्सरसाइज होता है, इसको बोलते हैं हम कीगल एक्सरसाइज शॉर्ट भाषा में। और देसी भाषा में ये आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल को इम्प्रूव करते हैं, आपके ग्लूट्स को, हर एक चीज़ को, मतलब काफ़ी अच्छा होता है। इस एक्सरसाइज को ट्राई कर लेना आप घर में भी कर सकते हो आप, अपने कुछ भी डाल के, मैट डाल के, कोई भी कुछ भी चीज़ डाल के नीचे आपने एक्सरसाइज घर में भी आप कर सकते हो। ये चीज़ें आप करो, इसके तीन तीन चार चार सेट करो, और कम से कम 15 से 20 से 25 रेपुटेशन, 30 रेपुटेशन करो, 4-5 एक्सरसाइज जो भी है तो करो, काफ़ी अच्छा, काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपको। तो देखते हैं अभी आगे और करना, हमने अभी एक सेशन तो हो गया मेरा, बाकी देखो एक और करेंगे, उसके बाद अपना प्रोटीन पी के घर चले जाएंगे हम। तो दोस्तों फाइनली जो है हमारा हो गया वर्कआउट ख़त्म, अब जा रहे हैं हम घर, और आज का व्लॉग जो हमने यहीं से शूट किया था और यहीं पर करेंगे ख़त्म। नहीं फिलहाल अभी हम जा रहे हैं घर, और कर दिया आज हमने जितना भी एक्सरसाइज था वो मैंने कर लिया, और अभी हम फिलहाल निकलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लेट हो गया, प्रोटीन वोटीन जो है सारा कुछ पी लिया मैंने, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यार बॉडी को क्या बोलते हैं वार्म अप करना, गर्म करना अभी बहुत मुश्किल होता है, मतलब लॉक होती है एकदम बॉडी, तो धीरे धीरे करते करते शाम हो जाती है। बाकी फिलहाल जा रहे हैं हम घर वाली। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम आज खाना खाने, काफ़ी दिन के बाद, और यहाँ बहुत ज्यादा, ये देखो अभी अंधेरा है, अंधेरे में इसको दिखाओ, नया गेस्ट हमारे, अरे नया गेस्ट ये हमारा सलमान खान है। सलमान खान बोल, अरे यार देखना यार यहाँ ये शर्मा रहा है। इसका नाम क्या है? क्या नाम है? सचिन। सचिन नहीं, सचिन है तेरा नाम? सुमित है इसका नाम। थोड़ा इंट्री, तो आज मेरे साथ
काफी दिन के बाद कोबरा जा रहा है क्योंकि कोबरा बहुत बिजी था, आपने पता नहीं कौन सा काम था इसको। मैं अपने गुफा में गया था अपने नागिन से मिलने। आय हाय, देखो ये अपनी नागिन से मिलने गया था गुफा में। तो आज हम काफी दिन के बाद जा रहे खाना खाने, आज का दिन थोड़ा उतना खास नहीं रहा, बाकी रास्ते में लाइट नहीं है तो इसीलिए नीचे भी देखना पड़ता है और साथ में अपना शूट भी करना पड़ता है। तो अभी हम जा रहे हैं फिलहाल खाना खाने, देखते हैं खाने में क्या बना, बाकी हम आपको दिखाते हैं। हमारा खाना जो बिल्कुल हो गया एकदम बढ़िया से, और आज ये है मेरी डाइट। आपको पता नहीं होगा कि क्या होता है ये, होता क्या है आपको पता ही होगा, और इसका फायदा क्या है वो भी आपको पता होगा। आग निकालता है आग, क्या सलमान खान, सलमान खान को दिखा, सलमान खान शर्मीला है, थोड़ा शर्मीली है। हाँ तो दोस्तों ये है मुर्गे की ये टांग है कि खाया करो अच्छा होता है बैक के लिए, स्ट्रेंथ मतलब अच्छा होता है, काफी अच्छा होता है, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो आप भी खाया करो, मैं भी खाता हूँ एक दो दिन में कभी कभी खा लेता हूँ मैं, या कभी कभी डेली खा लेता हूँ, तो आप भी खाया करो। बाकी हमारा खाना हो गया, अब हम जाएंगे फिलहाल घर, इसको डाइजेस्ट करेंगे हम चलते चलते। तो दोस्तों हमारा हो गया खाना खत्म, मैं आपको दिखाता हूँ एक सीन, ये देखो यहाँ का रिजोर्ट यहाँ, और ये शादी। तो हमारा हो गया खाना खत्म और मैं खा रहा हूँ क्या बोलते हैं, खाना खाने के बाद हमेशा मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ, सूप, अंदर से जो भी ऑर्गन्स होते हैं डाइजेशन के लिए अच्छा होता है यार, और काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है। सौंफ खाना चाहिए, अच्छा होता है। बाकी हम जा रहे हैं अभी फिलहाल घर, उसके बाद हम सोएंगे। आज कुछ ज़्यादा किया नहीं मैंने, आज अपनी ट्रेनिंग की, डाइट ली, डाइट एकदम प्रॉपरली मैंने, ट्रेनिंग भी प्रॉपर की मैंने, और एक चीज़ किया था मैंने लेकिन वो दिखाया नहीं मैंने, शूट किया नहीं। मैं गया था मार्केट, मैंने अपने थोड़ा सा सामान लेना था मैंने, और मैं शूट नहीं कर पाया, आपको दिखा नहीं पाया, काफ़ी लेना था क्योंकि डाइट बहुत ज़रूरी है, सामान कुछ ज़्यादा ही हो गया था, मैं अकेला बंदा था तो इसीलिए मैं शूट नहीं कर पाया। बाकी अगली बार मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या लिया डाइट में, अगली बार जब जाऊँगा मैं, अभी लेट हो गया था रात में तो मैं शूट नहीं कर पाया था तब। वही है मतलब ड्राई फ्रूट्स है, चने हैं, और साथ में गुड़ लेता हूँ मैं, और गुड़ खाया करो ठंड में अच्छा होता है गुड़, लेकिन देसी गुड़, वो वाला गुड़ नहीं जो दुकान में मिलता है ऐसे फालतू वाला, वो तो क्या बोलते घोड़ा भी ना खाए, उसमें चीनी होती है पता नहीं क्या क्या लिक्विड, वो क्या बोलते हैं केमिकल होता है पता नहीं क्या क्या होता है मुझे नहीं पता, तो सही नहीं होता। गुड़ जो एकदम देसी होना चाहिए वो बॉडी के लिए अच्छा होता है। और ये देखो यहाँ शादी हो रही है, कितनी सारी गाड़ी है, और ये देखो कितना शानदार है यार ये पैलेस, बहुत अच्छा है, इसका नाम है रवि रिजोर्ट, फ्री में प्रमोशन होगी इसकी भी, तो अगर किसी ने भी शादी करनी है तो आ जाना यहाँ शादी कर लेना, हमारी तो पता नहीं कब होगी शादी। छोटलाल तेरी शादी कब होगी, तेरी नागिन का है, नागिन का है, नागिन कभी भी शादी हो सकता है, नागिन अगर तेरी शादी होगी तो यहाँ इस रवि रिजोर्ट में कर सकते है तो शादी, ये क्या ही चीज है। तो कहाँ शादी करेगा तू, देखेंगे फ्यूचर, कौन से पैलेस में शादी करना चाहता है तू, देखेंगे फ्यूचर में देखेंगे। तो ये मतलब इसने सोचा नहीं है, मेरी तो यार पता नहीं कौन से, मेरी कब होगी, मेरी भविष्यवाणी करना, तू तो भविष्यवाणी करता है, मेरी भविष्यवाणी कर कब होगी शादी मेरी, 3 साल के अंदर अंदर आपकी शादी होगा, कितने साल के बाद, 3 साल के अंदर अंदर आपका शादी होगा, 3रा साल के लास्ट में आपका शादी होगा। ओह माय गॉड, ये देखो बोल रहा कि 3 साल के बाद मेरी शादी हो जाएगी, बाकी देखो ऊपर वाला करे कि हो जाए। वर्ल्ड वार से पहले वर्ल्ड वार होने वाला है, हाँ वर्ल्ड वार भी हो सकता है, वो कैसे होगा वर्ल्ड वार, वो मैं बता दिया, हो सकता है 2025 में, हैं
2025 में वर्ल्ड वार। अरे यार 2025 में मतलब शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत कहाँ से होगी वर्ल्ड वार की? हो ही चुका है। मतलब कहाँ से अभी? और तू मतलब तेरी भविष्यवाणी कहाँ क्या है? मतलब कहाँ से शुरुआत हो सकती है अभी फिलहाल? इजराइल हमास का चल रहा है। अच्छा हाँ, बस रशिया यूरोप पे हमला कर देगा थोड़े दिन के बाद, फिर वर्ल्ड वार शुरू हो गया। तो सही है यार, पता नहीं, ये बहुत तगड़ा है, ये कोबरा है, इसको सब कुछ पता होता है, भविष्यवाणी लेकिन तगड़ी कर रहा है। मैं पहली आपको बोल दिया था ना, हमास इजराइल के युद्ध से पहली बोल दिया था मिडिल ईस्ट में जंग लगने वाला है, लग गया ना। तो ज्ञान की बातें इसके पास बहुत ज्यादा है, ज्ञान की बातें हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले इसने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है, वो है कि युद्ध होने वाला, वर्ल्ड वॉर होने वाला है। ये सब बातें होती है, लेकिन ऊपर वाला ना करे ऐसा कभी ना हो। नहीं होके ही रहेगा। हैं? मैं बोल दिया तो होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए यार, कान को हाथ लगाओ, तोबा तोबा तोबा, इन सब चीजों से बचाए ऊपर वाला, हर कोई सेफ रहे, अच्छे से रहे यार। मतलब बंदा देखता वहाँ यार, वो फलस्तीन में 70 परमाणु बम फटेगा, 70 एक ही फट जाएगा तो पूरी दुनिया खंड खंड हो जाएगी। नहीं नहीं 70 फटेगा और एक साल तक हम लोग सूरज को नहीं देख पाएंगे, इतना धुआं से ढक जाएगा हमारे। ओह माय गॉड, तौबा तौबा तौबा, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ऐसा ना करे ऊपर वाला। तो दोस्तों अभी फिलहाल हम जा रहे घर, ये देखो रोड आपको सामने खाली खाली दिखेगा, उस सामने जो है ना वो हमारा सलमान खान जा रहा है हमारे साथ खाना खाने, तो आ गया वो, लेकिन वो अकेला जा रहा है। चलो फिलहाल कोई बात नहीं, हम जाएंगे अभी घर, फिर बाद में देखते हैं हमारा सीन क्या। तो दोस्तों इसी व्लॉग को कर रहे हैं यही पे एंड, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, किसी भी रीज़न से अच्छा लगा होगा, किसी भी वजह से अच्छा लगा होगा, कुछ भी मोटिवेशन मिली होगी आपने, एक्सरसाइज कुछ भी, जिस कुछ भी चीज़ अगर आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को कर लेना शेयर। बाकी जो भी मैं आपको बताता हूँ, जो भी नॉलेजेबल चीज़ें बताता हूँ मैं आपको, अच्छी बातें बताता हूँ, कोई बुरी बातें तो नहीं बताता हूँ, आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ अच्छे से, बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, 1K सब्सक्राइबर कर लो जल्दी जल्दी यार, सब्सक्राइब किया करो यार, देखता तो है यार कोई वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता, अपने भाई को सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।